बीजेपी ने चुनावी माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार हरियाणा की रणभूमि में उतरे। रोहतक में जेपी नड्डा नई जिम्मेदारी और नए प्रभार के साथ आए और बीजेपी के मिशन 75 को नई गति दी। रोहतक में जेपी नड्डा ने जहां सरकार की नीतियों का बखान किया तो वहीं अन्य पार्टियों पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। अगर मैं मनोहर जी की सरकार की बात करूँ तो मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ, जब मैं कहता हूँ कांग्रेस मुक्त भारत तो कहता हूँ भ्रष्टाचार मुक्त भारत। आज हरियाणा मनोहर जी के नेतृत्व में मोदी जी के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा हो चुका है, इसको हमको समझने की जरूरत है। आप बताइए, नौकरियों में घूस चलता था कि नहीं चलता, नौकरियों में पारदर्शी आए कि नहीं आए, आया कि नहीं आया, पारदर्शी आया कि नहीं आया। ये पारदर्शिता, ये कांग्रेस मुक्त हरियाणा का निशान है, उसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी, नीचे तक ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से आज कोई भी इंप्लॉई पीड़ित नहीं है, आज कोई भी इंप्लॉई दुखी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि अपने आप मेरी ट्रांसफर होगी, अपने आप मेरी पोस्टिंग होगी और कोई राजनीतिक दल अब हमारे से इसमें राजनीति इंडस्ट्री। अब देख रहे हैं इन खबर और इन खबर में राजीव का पिटा। मित्रों, जब हम राजनीतिक दृष्टि से बात करते हैं और आज जब आप चुनाव में जा रहे हैं तो चुनाव में लोग अपने सभी राजनीतिक दल जीत हासिल करने के लिए जाती हैं, लेकिन जीतने के लिए उनके पास जनता का आशीर्वाद मिले इसके लिए जो चीज चाहिए होती है, जो आवश्यकता होती है, वह शायद अन्य राजनीतिक दल के पास नहीं है। और मैं फिर कहूंगा कि आप भाग्यशाली हो कि भारतीय जनता पार्टी वो सब चीजें रखती है। आप कहोगे क्या है? मित्रों, किसी राजनीतिक दल के पास अगर नेता होगा तो नीति नहीं होगी, किसी राजनीतिक दल के पास नेता होगा और नीति होगी तो नियत नहीं होगी, किसी राजनीतिक दल के पास नेता हो गया, नीति हो गई, नियत हो गई तो दृष्टि नहीं होगी, और अगर दृष्टि हो गई तो कार्यक्रम नहीं होगा, कार्यक्रम हो गया तो कार्यकर्ता नहीं होगा, और कार्यकर्ता हो गया तो वातावरण नहीं होगा। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास नेता है, नीति है, नियत है, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है और वातावरण है, इसको हमको समझने की जरूरत है। जेपी नड्डा ने हरियाणा का एजेंडा भी बताया और कहा कि हरियाणा का एजेंडा विकास, विकास और विकास है, साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाना है। और राजनीति में याद रखना, एजेंडा सेट करने का काम आपका है, आपको एजेंडा सेट करना है, और हरियाणा का एजेंडा है विकास, विकास, विकास। हरियाणा का एजेंडा है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, विकास युक्त हरियाणा, इसको हमको आगे बढ़ाना है और इस एजेंडा को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारियों के साथ वे मैदान में उतरेंगे। सीएम ने ये भी कहा कि चुनावों का वातावरण अच्छा बनाने के लिए पूरी तैयारियां जरूरी हैं। हरियाणा में यह पहला आगमन है, देश भर में सब प्रांतों में आप जा रहे हैं, आपके मार्गदर्शन से हम लाभान्वित होंगे, लेकिन हमारे लिए विशेष अवसर है क्योंकि हम बहुत जल्दी अपने 5 साल की पढ़ाई की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। तो जो हमारा विरोधी दल है, मुख्य विरोधी दल कांग्रेस पार्टी, वहां आज संगठन की चर्चा होती है तो वर्तमान में भी वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को खोजने में लगे हैं कि कौन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। और फिर पिछला लोकसभा का चुनाव सबके सब हमने जीते हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं, और अब अगला चुनाव अक्टूबर के महीने में किसी दिन के लिए भी घोषित होगा, सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी, इसकी तैयारी हमको आज से करनी है।
कुल मिलाकर जेपी नड्डा हरियाणा के रण का पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं और नड्डा के इसी दौरे के साथ बीजेपी के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों का भी आगाज हो गया है। लोकसभा चुनाव का बिगुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की भूमि से फूंका था और इस बार जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव के लिए रोहतक आए हैं। लोकसभा चुनाव में मोदी और शाह की जोड़ी हुड्डा और चौटाला के गढ़ में सक्रिय रही थी और इस बार भी बीजेपी के निशाने पर रोहतक और सोनीपत है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रफ्तार बढ़ा दी है, लेकिन अभी भी विधानसभा की जंग में विरोधी दल कहीं दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में अभी नेतृत्व ही तय नहीं हो पाया है। उधर इनेलो में भी भागम भाग मची हुई है। बात जेजेपी की करें तो जेजेपी इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव में उतर रही है। देखना होगा कि हरियाणा के रण में जेपी नड्डा के उतरने से बीजेपी को कितना फायदा होता है। रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो चलिए, अब विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं रोहतक और वहीं से इसका आगाज एक तरीके से हो चुका है। और अब इन सब के बीच में जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तैयारियां हरियाणा में किस प्रकार की हैं, आज बड़ी बहस में इसी पर चर्चा होने वाली है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ अजीत मंदोला जी मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, बहुत स्वागत है अजीत मंदोला जी आपका। वीरेन चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेन चौहान जी बहुत स्वागत आपका। भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के। भाग सिंह दमदमा जी बहुत स्वागत आपका। और जोगी राम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। जोगी राम जी आपका भी बहुत स्वागत है। वीरेन सिंह चौहान आपसे ही हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, एजेंडा सेट हो चुका है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर विकास 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 और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ 2019 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें उतरने की दिशा में अपना पहले से ही कदम बढ़ा चुकी है। आज की जो बैठक है ये उसकी शुरुआत नहीं है, ये उसके बीच का एक घटनाक्रम है। हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, देशभर में उनके प्रवास का सिलसिला शुरू हुआ है, उसी क्रम में उनका हरियाणा का पहला प्रवास हुआ है। दो दिन के लिए हरियाणा में आए हैं और हरियाणा में हरियाणा के कार्यकर्ताओं से, हरियाणा के संगठन के पदाधिकारियों से, हर स्तर और हर श्रेणी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने सीधा संवाद किया है। ये संयोग की बात है कि हम चुनाव की तैयारी में, चुनाव के मोर्चे पर डटे हुए हैं। चुनाव के आगाज के बाद, चुनाव की तैयारियों के आगाज के बाद चुनावी मोड में उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका हरियाणा में आगमन हुआ है। संयोग और सौभाग्य की बात है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरियाणा के तमाम कार्यकर्ताओं को, जिसमें हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख से लेकर हमारे सांसद, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पूरी की पूरी टीम जो है ग्रास रूट से लेकर के और एपेक्स तक, उसको उसके भीतर एक नई ऊर्जा फूंकी है। जो लक्ष्य 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए हमने रखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी तैयारी को देखते हुए, हमारे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को देखते हुए ये ऐलान किया है गर्व के साथ रोहतक की धरती से कि हमने अब की बार 75 पार जाने का जो लक्ष्य तय किया है उसको हम सहजता से पार करने वाले हैं। उससे कहीं आगे, उससे कहीं अधिक सीटें हरियाणा में हम प्राप्त करने वाले हैं। उन्होंने हमको रास्ता भी दिखाया है कि किस मार्ग पर चलते हुए और किन किन सावधानियों को बरतते हुए इस लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करना है। और जी, आपने ठीक कहा, आपने सही वाक्य आपने पकड़ा अध्यक्ष जी के भाषण का कि हरियाणा के मामले में और हरियाणा के चुनाव के मामले में हमने एजेंडा सेट कर दिया है, अध्यक्ष जी ने उसका उद्घोषणा कर दी है और वो एजेंडा निश्चित रूप से विकास विकास और विकास है। ठीक है, भाग सिंह दमदमा जी, देखिए यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए, एक जो बयान दिया जेपी नड्डा ने उसको भी कोट कर देता हूं। उन्होंने ये कहा कि देखिए, आपको एजेंडा सेट करना है, एजेंडा सेट हो चुका हरियाणा के अंदर, विकास 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 और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। और दूसरा, विपक्षी पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ, उन्होंने कहा विपक्षी पार्टियों के पास नेता तो हो सकते हैं, नीयत नहीं होगी उनके पास। कैसे देख रहे हैं इन चीजों को, इस तैयारी को? देखिए,
देखिए आयुष जी, अभी सबसे पहले एक तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं प्रदेश में, वो पार्टी के लिए उनका तकरीबन ये संगठनात्मक और आंतरिक मामला है जिसके लिए उन्होंने पूरी तरह से पार्टी के ऊपर फोकस रखा है टोटली, कि संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए, किस तरह से शक्ति केंद्र को मजबूत किया जाए, बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख, मतलब कि इन बातों के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहा। और हरियाणा के बारे में सिर्फ एक शब्द बोल के उन्होंने बात खत्म कर दी कि एजेंडा सिर्फ विकास होगा। लेकिन आज अगर पूरे प्रदेश के अंदर आप देखें कि विकास तो विकास एक शब्द नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त विकास करते हैं की पहाड़ियों से लेकर आप कालका के माइनिंग तक, आप विकास का दमदमा जी ठीक है। देखिए एक सेकंड, वीरेंद्र सिंह चौहान जी थोड़ा आपको बयान और अच्छे से मैं समझा रहे हैं, बयान और अच्छे से बता देता हूं वीरेंद्र सिंह जी। देखिए विकास को एक शब्द दमदमा जी, देखिए उन्होंने ये नहीं नालियां बनाना, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। बाघ सिंह दमदमा जी, देखिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि उन्होंने ये कहा विकास विकास विकास, उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर लोगों को नौकरियां मिली, कैसे भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाई, ये सारी बातों का जिक्र किया है। उन्नत हरियाणा, तो उन्होंने हरियाणा के बारे में बोला है बाघ सिंह दमदमा जी, उन्नत हरियाणा, हरियाणवियों का सुखमय जीवन, ठीक है ये हमारा एजेंडा है। ठीक है वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप थोड़ा सा समय देते हैं, ठीक है वीरेंद्र सिंह चौहान जी थोड़ा सा समय देते हैं, संगठनात्मक भाषण था उनका, राजनीतिक और प्रदेश के परिवेश के रूप में उनका कोई ऐसा शब्द नहीं था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की हो, बड़े उद्योग की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, शिक्षा की बात हो, ऐसी किसी तरह से भी कोई बात नहीं आई। और अरावली पर्वत से लेकर डाटम की पहाड़ियों तक जितना खनन हुआ आप उसको विकास मानते तो कहां तक हाजिर है हम आपके साथ राजीव शर्मा, हालत है और अंतिम व्यक्ति अंत्योदय कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी, आज किसी को डॉग बाइट हो जाए, मंकी बाइट काट ले तो हॉस्पिटल में निशान है, लेकिन इस वक्त मेरा यही कहना है कि ये सिर्फ संगठनात्मक फोकस था और हर पार्टी अभी उनने बात की ही। वीडियो सामने आया है, कुछ खाया खा चरित्र नहीं मिलता और दृष्टि नहीं मिलती, बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी 1980 के वीडियो सामने आया और यही एक इनकी यही से डूबी हुई का इस्तेमाल भी करेंगे, सफलता मिलती है कांग्रेस पार्टी को मिली है, पिछले टाइम में और सरकारें आई उनको मिली है, आज भाजपा को सफलता मिली है ये उसके ऊपर देखिए 75 पार से ज्यादा तो हरियाणा के नेताओं ने ज्यादा कह दिया, कहीं तो 85 तक पहुंच गए थे अभी पिछले दिनों, लेकिन 75 पार कोई ना कोई पार्टी तय करती है चुनाव में आने के लिए। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो ये दिल्ली की खबर पहले ही हुई थी और सुनी किसी ठीक है, यही तो आप लोग समझ नहीं पा रहे ना कि वो एजेंडा क्या सेट करते हैं और फिर उस पर कैसे आगे वो चलते हैं। ये खबर आ रही है ऐसे तो डीएम को जलाकर भस्म कर देंगे, सुरेंद्र इतने पर भी नहीं रुके और डीएम को गलत नहीं। मुंबई की खबर ऑपरेशन में वक्त लग जाएगा, लिहाजा एक शतरंज का खेल है। अगर आप देखें आप बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नेशनल अध्यक्ष आप उनकी बाइट भी दिखा रहे हो, वाहवाही भी कर रहे हैं, सारा दिखा रहे हैं, क्या हमारे नेता हर रोज 3-3 हलकों में इसकी वजह से फंस गई है, संवाद नहीं कर रहे हैं, क्या वो बताने रहे हमारी पॉलिसी क्या है वो कहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन जनता देख रही है, केवल टीवी में दिखाने से बात नहीं बनेगी, इस मीडिया में दिखाने से क्या दूसरी पार्टियों के नेता नहीं जा रहे हैं, राम जी कहां जा रहा है वो चलता है, जोगी राम जी कहां कौन जा रहा है वो चलता है, ऐसा नहीं है जोगी राम जी, थोड़ा इंडिया न्यूज हरियाणा लगा कर देखा जाए, जानते हैं ये आपसे ही परेशान है, एक दिन में जोगी राम जी थोड़ा इंडिया न्यूज हरियाणा लगा करके आप थोड़ा सा तपल्ली से देखा करें, आपके जितने बड़े नेता हैं जोगी राम जी, आपके जितने बड़े नेता हैं वो कौन से हलके में जा रहे हैं, कहां दौरा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, हमारे बड़े नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। एक सेकंड वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार जोगीराम जी की बात थोड़ा कंप्लीट हो जाए, आपको पूरा समय दूंगा। एक एक कंस्टिट्यूएंसी के चौहान साहब थोड़ा सुनिए, ओ सुनिए, पटका कम कर ले थोड़ा सा, हाँ सुन ले थोड़ा, और जब बात आएगी ना जनता से मिलने की, बात करना कब सीखेंगे लोग, दल के लोग ने काम की, इनको इनको अकल सिखाइए, इनको इनको तमीज नहीं है बात करने की, फिर आप लोकदल वाले बीच में ना बोलिए, लोगों ने नजर बोलिए, वीरेंद्र जी आपको पूरा समय दूंगा, आपका जवाब दीजिएगा, वीरेंद्र जी जो बोल रहा है वीरेंद्र जी, देखिए वीरेंद्र जी आप इतने वरिष्ठ वीरेंद्र जी, आपको उम्मीद नहीं है आप उसका जवाब दे दीजिएगा, जनता देख रही है वीरेंद्र जी, जनता देख रही है कौन क्या बोल रहा है, वीरेंद्र जी जनता देख रही है ना, वीरेंद्र जी जनता देख रही है कौन क्या बोल रहा है, दूसरा
जोगीराम जी आप ये बताएं इन एलओ की तैयारी क्या है, आप इस सत्यारोप से बाहर आ जाते हैं, वीरेंद्र जी थोड़ा बाहर आ जाते हैं, जोगीराम जी को बोलने देते हैं, कुछ बोलने ठीक है, काम हो गए अपने बारे में कुछ बोलने की, हमारे नेता डेली लोगों से संवाद कर रहे हैं, तमीज सीखो, हमारे नेता डेली लोगों से मिल रहे हैं, सीखिए आगे अपनी पॉलिसीज बता रहे हैं, पब्लिक उनको पसंद कर रही है, उतने ही बंदे आएंगे उतने ही जाएंगे, चलता रहता है, लेकिन नेता सबके पास है, नियत सबके पास है, नियत से काम कर रहे हैं और एजेंडा और विजन सबके पास है, केवल बीजेपी के पास नहीं है, बीजेपी के पास ये एजेंडा और विजन है। तो आप ये देखिए लोगों के काम क्या किए, अभी लोग पूछेंगे एम्प्लॉयमेंट कितनों को दिया, कितने छोड़ गए, क्या पीएचडी वालों को आपने कलर लगाने की बजाय चपरासी लगाया, बेलदार लगाया, वो लोग पूछेंगे इनसे, रोडवेज में क्या घोटाला आया इनसे पूछेंगे, माइनिंग में क्या घोटाला हुआ इनसे पूछेंगे, हेल्थ का घोटाला अब कहां देखे कहानी है, और ये पूछे कितनी इंडस्ट्री लगाई है, जैसे दमदमा जी जोगीराम जी आपकी बात का जवाब जी जरूर देंगे, उनसे मैं उनका जवाब लूंगा, लेकिन अजीत मंदोला जी ठीक है, मक्की बीजों के कनेक्शन देंगे, मैं आपके पास आ रहा हूं एक सेकंड, थोड़ा सबको सारे सारे मेहमानों को मुझे समय देना है, ठीक है जोगीराम जी आपका हो गया, जोगीराम जी मैंने आपको पूरा समय दे दिया, अजीत जी देखिए सारे आरोप प्रत्यारोप भी देख रहे हैं, उन सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को भी देख रहे हैं, और खासतौर से जो विपक्षी पार्टियां उनको कैसे आप देख पा रहे हैं, हरियाणा का ये रण आपको कैसे समझ में आ रहा, थोड़ा बताएं। आयुष पहले तो आज यही पे आप बड़ा आप ये हम बहस कर रहे हैं, इस बहस में देखिए कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं है, ये कितना बड़ा दुखद है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की भी विपक्ष, मतलब जिसने इतना लंबा राज किया इस देश में प्रदेश में, आज उसकी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, किसी भी डिबेट में नहीं जा रहे हैं, कौन नेता है किसी को नहीं पता, देश का नेता कौन है किसी को नहीं पता, प्रदेश में जो नेता है आपस में लड़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अपनी आप ही विपक्ष ने रास्ता बना रखा है। अब रही बात जो रीजनल पार्टियां बन के उभरी हैं सामने, एक नया दल जेजेपी आ गया, इनेलो रहा है पुराना दल, अब मैं ये समझ रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद रीजनल पार्टियों के लिए अब इसको कम होता जा रहा है, अब पब्लिक जो है जो जात पात की राजनीति पे चल रहे थे जो रीजनल पार्टियां, वो अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि उनके लिए अब एक समय अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक समाज में पढ़े लिखे लोगों का एक वर्ग बढ़ता जा रहा है, लोग समझ रहे हैं, उनका ये मानना है कि भाई अगर मजबूत पार्टी होगी, मजबूत दल होगा, तो तभी जाके कुछ डेवलपमेंट का काम होगा। आज जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, वो क्यों पॉपुलर हैं, क्यों उनके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम करके दिखाए हैं। आज बीजेपी इतने कॉन्फिडेंस में जो कह रही है, आज जो अभी आपने जेपी नड्डा को सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि भाई पारदर्शिता शुरू हो गई है सरकारी काम में, नौकरियों में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। आज हमारे सामने सबसे बड़े मोदी के बाद मुख्यमंत्री खट्टर सबसे बड़ा चेहरा है, हम इनके नाम पर वोट मांगेंगे और विकास के नाम पर मांगेंगे, उनका कहना ठीक है, लेकिन अब सवाल ये कि विपक्ष की नीति क्या होनी चाहिए, विपक्ष को क्या करना चाहिए। हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं दोनों रीजनल पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि साहब इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। अब ये मुद्दा देखिए लोकसभा में क्या हुआ, लोकसभा में ये लोग कहते रहे कि भाई बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन उठा नहीं पाए, बीजेपी ने एजेंडा सेट करा उसमें फंसते गए और मेन एजेंडे से भटक गए। अब ये देखना होगा कि ये लोग क्या इस बार, अगर माना जो इस सरकार ने माना कोई काम नहीं करा, इनका कहना है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो ये विपक्ष मुद्दा बनाए ना इन चीजों को, ये विपक्ष मुद्दा बनाए, ये विपक्ष अगर मुद्दा बनाने में कामयाब होता है तो ठीक है। ठीक है दमदमा जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले वीरेंद्र जी को भी समय देना, एक बार मंदोला जी की बात कंप्लीट हो जाने दें। लेकिन दुखद पहलू क्या है कि विपक्ष जो है केवल डिबेट वगैरह में ही इन बातों को उठाता है, इनके नेता क्या कर रहे हैं आज तक मुझे बताइए, कितने लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए, इन लोगों ने किसी आंदोलन कराओ, ऐसा जन आंदोलन कराओ जिससे कि सरकार के खिलाफ कोई माहौल बना हो, मुझे तो दिखाई नहीं दिया, पिछले साढ़े मतलब 5 साल पूरे होने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं देखिए अब देश की राजनीति विपक्ष को समझना पड़ेगा कि बदल गई है, चीजें बदल गई हैं, अब आपको जनता को बताना पड़ेगा, सड़कों पर उतरकर जनता के बीच में जाके कहना पड़ेगा कि भाई ये गलत हो रहा है, हम आपके साथ अब सड़क पर उतरिए, आंदोलन में उतरिए। अभी तक हुआ यह कि जात पात की राजनीति करी गई, हरियाणा तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जात पात की राजनीति में, वहां पे बीजेपी 2014 में इसलिए सफल हुई कि भाई पहले जाट लैंड में इन्होंने कार्यक्रम करा, रोहतक जाट लैंड मानी जाती है, खट्टर ने ये काम खत्म कर दिया वहां पर कि कोई उन पर आज ये आरोप नहीं लगा सकता कि वो गैर जाटों का ज्यादा काम कर रहे हैं। आज जाट भी उनसे जो सुनने में आता है उतने ही खुश बताए जाते हैं गांव के लोग
कि जितना कि दूसरी जाति के लोग माने खुश माने जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि वो वाला जो राजनीति थी जाति बिरादरी वाली, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। और ये देश हित में प्रदेश हित में भी अच्छा है कि अगर जाति राजनीति खत्म होती है। अब ये विपक्ष को तय करना है कि वो मुद्दा एकजुट होकर उठा पाता है नहीं उठा पाता है। विपक्ष बंटा हुआ है, कांग्रेस खत्म सिप हो रखी है, कांग्रेस के नेता आपस में कुल मिला के ये मुद्दे इन लोगों को समझने और इनसे मैं जवाब समझना होगा। वीरेंद्र जी के बाद से इत्तेफाक ना रखते हूं, हो सकता है वीरेंद्र जी से वो इत्तेफाक ना रखता हूं, लेकिन आपकी बातों का जवाब मैं जरूर लूंगा। वीरेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आयुष जी हमारे जो प्रतिपक्षी कह लीजिए, अब प्रतिपक्ष के नाम पर इनके पास बचा भी कुछ नहीं है। जोगीराम जी बहुत आक्रोश में थे, आवेश में थे, और जोगीराम जी ये बता रहे थे कि नेता नियत कार्यक्रम कार्यकर्ता केवल भाजपा के पास नहीं है, इनके पास भी हैं। इनके पास कौन से नेता हैं, कौन से कार्यक्रम है, उसकी केवल एक झलक देना चाहता हूं। इनकी पार्टी के जो शिरोमणि शीर्ष पुरुष हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, वे एक अपराध में सजा काट रहे हैं, जेल में हैं। इनके कुनबे से अलग होकर के एक दूसरी पार्टी बनी, जूतम पैजार में से पैदा हुई, चप्पल उसको निशान मिला, आजकल चाबी उठा करके न जाने किसका ताला तोड़ना चाहते हैं, उसमें लगे हुए हैं। उनके शिखर पुरुष भी कारागार में हैं, जिनके जिनका नेतृत्व जेल में हो, गलत काम करने के लिए अदालतों ने सजा दी हो, वो फिर भी छाती पीट पीट के दावा करें कि उनके पास नेता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत कैसी है। दूसरी पार्टी कांग्रेस, डिबेट में प्रवक्ता नहीं है उनके पास भेजने के लिए, शायद यह साहस नहीं है। और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, कब तक रहे, है नहीं है, कौन होगा, इस बात का भी वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारे विरोधियों की यह स्थिति है कि ना उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है यह स्पष्ट है, ना उनके प्रांतों के प्रदेश के चौधरी हैं उनके बीच में कोई तालमेल है, उस समय में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा नहीं पूरे देश में यह किया, और हरियाणा में 19,000 बूथों पर पन्ना प्रमुख निर्धारित कर दिए हैं। एक एक बूथ पर मतदाता सूची के एक एक, एक पन्ने का प्रमुख हमने निर्धारित किया है। साहब हमारा संगठन, जिसके बारे में कभी लोग कहते थे इनका संगठन नहीं है, आज हमारा संगठन हरियाणा के हर बूथ पर है और बूथ में भी पन्ने के स्तर पर है। हमें कहते थे गांव में नहीं है, हमको जितना प्यार हरियाणा की जनता ने 2014 के बाद के हर चुनाव में हरियाणा में दिया है, वो इस बात का प्रमाण है कि हम गांव में भी हैं, हम कस्बे में भी हैं, हम जाट में भी हैं, हम गैर जाट में भी हैं, बल्कि हम तो जाति की लाइन पर सोचते ही नहीं है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस सिद्धांत पर काम करने वाले हम लोग हैं। दूसरी तरफ हमारे विरोधियों से पूछ लीजिए इनका कार्यक्रम क्या है। हमारे विरोधियों का कार्यक्रम है परस्पर जूतम पैजार, परिवार की लड़ाई, दादा पोते को गाली देगा, पोता दादा को, दादी को गाली देगा, चाचा को कोसेंगे, चाचा देखिए आप दो टॉपिक आप छेड़ रहे हैं ना, फिर अब हमारे विरोधी पर बहुत तीखी बहस फिर होगी। अब ये लोग सारे लोग अब आपको कुछ आरोप प्रत्यारोप ठीक है, एक लीडरशिप, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े ठीक है, ठीक है, विकास की बात ठीक है, ये कहने का वीरेंद्र जी विकास की परिभाषा बता दो, हमने क्या बदलाव किया, ठीक है वीरेंद्र जी का थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं आपके पास अभी आऊंगा, एक बार बात सुन दमदमा जी की बात को सुनते हैं, वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, ठीक है, एक बार बात सुन दमदमा जी और जोगीराम दोनों लोगों से कमेंट ले लेते हैं, ठीक है वीरेंद्र जी एक बार दोनों लोगों से कमेंट ले लेते हैं, ठीक है थोड़ा सा शांत हो जाए, बात सुन दमदमा जी जी। आयुष जी अभी वरेंद्र चौहान जी ने पूरा विस्तृत भाषण दिया है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, कहीं ना कहीं तो दिखाना है, जब ये जूतम पैजार जैसे ऐसे शब्दों का ना तो अभी तक एक भी क्लिप ऐसी बता दीजिए, इन्होंने आरोप लगाया कि दादा पोते को गाली और पोता दादे दादी को गाली दे, ये दुष्यंत जी की एक भी ऐसी क्लिप दिखा दे जिसमें उन्होंने दादा व दादी व परिवार के बारे कोई अपमानजनक शब्द कहा हो आज तक भी, ये मतलब कि बिना बात के बिना सिर पैर के आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की नीति होती है। क्या कहा कि जाति भी दादी ने क्या हर जाति का सम्मान, मैं कहता हूं कि 30 के लगभग वीडियो पर क्या कहा, नहीं कई बार पढ़ चुका हूं, जो खट्टर दादा ने क्या कहा पोतों के बारे में, सिर्फ
हरियाणा प्रदेश के अंदर तो क्या कहा आपने, यही उनकी कमी है। आप भाजपा में पिछली लाइन में भी तभी बैठते हैं, आप सुन नहीं सकते किसी की, अरे आपने सुनने का माना ही नहीं है। आपने बोला सच झूठ तूफान बोला, हमने सुना ना, आप भी थोड़ा मादा रखिए सुनने का। आप सुनिए कि खट्टर साहब एक ही जाति के लगभग 30 लोगों की नियुक्ति कर चुके हैं, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद की हो, चाहे एचपीएससी, चाहे ये स्टाफ सिलेक्शन में हो, चाहे जगदीश चोपड़ा जी हो, शत्रुजीत कपूर जी हो, गार्गी कक्कड़ जी हो, करनाल से कथूरिया साहब हो, मैं आपको नियुक्तियां बता रहा हूँ, 30 नियुक्तियां। आप किसी जाति की 10 नियुक्तियां बता दे, किसी बोर्ड में मेंबर लगाया, कमाल करते हो। आप सुनिए, सुनिए बोलने से सच नहीं बदले आपके बोलने से। अरे आपके बंगारू लक्ष्मण, अरे रिश्वत ले लेके आरोप तय होते हैं, ये तो मैंने इसीलिए कहा था कि आप मिलेगा तड़ी पार अमित शाह जी घोषित होते हैं, आपके होम मिनिस्टर है। अरे पूरे के पूरा माफिया राज आपका चल रहा है आज प्रदेश के अंदर, रोज 3-4 मर्डर की रेशो आपके घर में एचएमटी जैसी इंडस्ट्री आपने बंद करके रख दी, मेरा राजनीतिक विश्लेषण बाकी कह रहे थे कि जो भी डेवलपमेंट घोषणा कर दी उसको लेकिन आप ये समझाएं कि आपकी रणनीति क्या है, जजपा कैसे मैंने आपको लाइन से पढ़ू। और आज एक कार्यक्रम जी दुष्यंत जी पिछले कई दिनों से प्रदेश के अंदर घर घर जाकर रात का खाना जनता के बीच, वो गांव में रुक रहे हैं, आप लोगों वो भी देखिए, रोजगार मेरा अधिकार के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर हेडक्वार्टर के अंदर जजपा ने प्रदर्शन किए हैं, उसको भी देखिए आप। दुष्यंत जी आज भी किसी गांव के अंदर रात्रि ठहराव में बैठे हैं, सरकार की हर बेकायदगी को उजागर कर रही है जननायक जनता पार्टी। आज दुष्यंत जी, दिग्विजय जी, नैना जी अपने घर में नहीं, प्रदेश के अंदर गांव चौक चौपाल के ऊपर जनता के साथ बैठे हैं। इनको यह सोचना चाहिए कि जनता ने बहुमत दिया है, जनता के विकास पर लगाई है, गवर्नमेंट की कोई सीमा नहीं है जनाब। पहले कांग्रेस 10 साल राज कर गई है, उससे पहले आप आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त है आपका दमदमा जी, मुझे लगता है शायद आप उस डिबेट में नहीं थे, गांव नीति की हम लोगों ने पूरी चर्चा की, पूरी डिबेट भी की है। जोगीराम जी बोले। एक तो चौहान जी ने कहा कि जोगीराम आक्रोश में, आक्रोश की बात नहीं है, इनसे कहिए थोड़ा चुप रहेंगे, लोगों को भी सुनिए, ये दूसरों की सुनते नहीं तब हमें आक्रोश आ जाता है। मैं ये कह रहा हूं कौन सी पार्टी ऐसी नहीं है, रीजनल लगा, रीजनल तो ज्यादा पार्टी है जो डोर टू डोर जा रही है। एसवाईएल पे एजिटेशन हमारी पार्टी ने किया, मंडियों में हमारी पार्टी ने एजिटेशन किया, जब फसलें नहीं बिक रही थी लोग साथ में थे, लैंड एक्विजिशन पे हमारी पार्टी ने एजिटेशन किया, साथ में थे लोग, बिजली के रेट जब बढ़े हमारी पार्टी ने एजिटेशन किया, यहाँ पर एक महीना बिजली बोर्ड के दफ्तर के सामने, शक्ति भवन के सामने, और लोगों को मालूम है कि उनकी जरूरियात या लोकल है वो कौन पूरी कर सकता है। आज की डेट में एक दिन में हमारे नेता 3 कंस्टिट्यूएंसीज के लोगों से जाके मिलते हैं, संवाद करते हैं, उनसे पर्सनली जाके मिलते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी की ये परियोजनाएं हैं, ये हमारे हम काम करेंगे, आपके लोग साथ में हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अवसरवादी होते हैं, चले जाते हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करते। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये कहना, अगर वो भी अगर मीडिया का कोई मतलब, लोगों को जब पसंद आएगा, लोगों को पर्सनली देखना है भी कौन क्या काम कर रहा है। केवल ओम प्रकाश चौटाला जो खुले दरबार लगाते थे और गांव में जाकर लगाते थे, इनकी तो सीएम विंडो है जो कि आजकल भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा दिए और खर्चा हो रहा है फजूल में। इनका गाय का आयोग देख लो आप, उसमें कहीं भी कोई काम हो, आज तक एक भी न्यूज आ रही हो जो इनका कोई न्यूज आ रही है, गाय धर्मशालाओं में, गौशालाओं में, थोड़ा सा समय दे, मैं अभी आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा धैर्य, फंस फंस के मर रही है, कहां पैसा है? ये गौ गौ का नाम लेते हैं, मंदिरों का नाम लेते हैं, ये सब लोग जानते हैं। अरविंदर जी को पता लग जाएगा भाई, जब लोग देखेंगे क्या काम हुआ क्या नहीं काम हुआ। स्वयं पंजाबियत के इन्होंने पंजाबीवाद को शुरू किया, कि नया सा इस सरकार ने, और वो लानत है आपकी भाषा पर, हरियाणा जातिवाद की राजनीति से निकल रहा है। जोगी राम वो जहर फैला रहे टेलीविजन पर बैठ करके जनता का, ठीक है, ये लानत है राजनीति को। अजीत मंदोला जी, एक सवाल है, मैंने सबसे राजनीति के बारे में बताई, जो विपक्षी पार्टियां हैं जो उठा रही है, राजनीति की बात कर रही है, वो कह रहे हैं हरियाणा में टेलीविजन चैनलों पर, क्या ये हरियाणा में काम आने वाला है, राजनीति से लोग जीत पाएंगे चुनाव, या भाजपा की तैयारी का ये कार्ड आप देख पा रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड अजीत जी की बात को सुन लेते हैं। वीरेंद्र जी, ठीक है, अजीत जी की बात सुनते हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, एक
इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात भी सुन रहा हूँ, जोगीराम जी की बात सुन रहे हैं। मैंने पहले भी कहा ना, जनता देख रही है ना। और ये सरे आप जाति की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, हरियाणा को ले जाना कहाँ चाहते हो? ठीक है, लेकिन इनको अजीत अजीत जी की भी बात को सुनते हैं। अजीत जी ठीक है, हरियाणा का विकास चाहते हैं। टोकिए आप, देर से छुटा हुआ। अभी ये जो अभी डिबेट आप देख रहे हैं, देखिए बीजेपी इस वक्त माइनिंग का देख लो, आपका रोडवेज का घोटाला देख लो, कितने घोटाले हैं, एजुकेशन का, जो पावरफुल है, बहुत ताकतवर है। और ये जाति की राजनीति ने आपका भट्टा बिठाया है, भगवान करे आप लोग। अरे एक मिनट सुनिए तो, मुझे ऑडियो डाउन करवा देने पड़ेंगे आप लोगों के। फिर देखिए मुझे आप लोग बताइए ना, आप लोग थोड़ा ध्यान रख के सही ठीक है। मैं बराबर समय दे रहा हूँ, इसीलिए आप लोग को सारे प्रवक्ताओं को मैं बराबर समय दे रहा हूँ। लोगों को ऐसी भाषा पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, आप उस पर आपत्ति जता रहे होंगे। ठीक है अजीत जी, ठीक है आपकी बात, जातिवादी भाषा पसंद नहीं है। वीरेंद्र जी ये तो देख रही है ना जनता, ये तो जनता देख रही है, जनता तय कर देगी, जनता तय कर देगी ना। जोगीराम जी जो कह रहे हैं वो दिख रहा है आज आपके पास। सुनिए, भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपने आपत्ति जता दी ना, बस नहीं करना चाहिए। सुनिए, जोगीराम जी भी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप भी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप लोग इतने समय से डिबेट में बैठे हैं, थोड़ा सा मेंटेन रखें डेकोरम बस। आयुष देखो, मेरा ये मानना है इनेलो हो या जेजेपी हो, अभी आज के दिन में बीजेपी को कोई टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। सीधी सीधी बात है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी वहां पर अगर कोई है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस में अगर कांग्रेस का हाईकमान जो है वो तय करे पहले कि भाई वहां पे कप्तान कौन होगा। कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि ना नेशनल स्तर पर कप्तान है ना राज्य स्तर पर कप्तान है, तो वो उन बिचारों को यही नहीं पता कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा। दो धड़े हैं वहां, दो धड़े हैं। नहीं नहीं क्लियर है, देखिए जो अभी खबरें ही आ रही हैं कि अब मेरे ख्याल से अगस्त सेकेंड वीक में, अगस्त के दूसरे सप्ताह में तय हो जाएगा कि कांग्रेस का कोई अंतरिम अध्यक्ष बन रहा है या पूरा अध्यक्ष बन रहा है। उसके बाद हरियाणा में भी बदलाव होगा, ये पक्की बात है। हरियाणा कांग्रेस में बदलाव होना तय है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। वो वहां पर यही माना जा रहा है कि ले दे के बाद हुड्डा परिवार पर ही आ रही है। हुड्डा परिवार को हो सकता है नेतृत्व सौंपा जाए, भूपेंद्र हुड्डा को ही सौंपने की बात चल रही है, क्योंकि कोई विकल्प अभी है नहीं वहां पर कि जो इस वक्त मनोहरलाल खट्टर का या जो बीजेपी के पास राष्ट्रीय स्तर पर अमित शाह या नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सके। इस समय कोई नेता नहीं है कांग्रेस के पास, तो ऐसी स्थिति में ले देके एकमात्र जो कार्ड अगर बीजेपी कांग्रेस खेलेगी वो हो सकता है हुड्डा का ही कार्ड खेलेगी वहां पर। मतलब ये मेरे पास जो अभी वो है, अभी ये तो कांग्रेस फैसला ही तो नहीं करती समय पे। आज कांग्रेस की जो हालत है वो इसी वजह से कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ने समय पर कोई फैसला ही नहीं करा। आज बताइए, छह साल अशोक तंवर को अध्यक्ष बनाए हो गए, वहां के लिए उसको आज तक जिला का कोई कमेटियां नहीं बनाने दी गई। अब आप देखिए कि ये राहुल गांधी की कमजोरी है या सोनिया गांधी की कमजोरी है, ये कांग्रेस को समझना होगा, विपक्ष को समझना होगा। देश की राजनीति बदल गई है पूरी तरीके से। अब इस बदलाव की राजनीति में कांग्रेस को भी सोच समझकर जमीन से जुड़े नेताओं को ही आगे रखना होगा, और ये विपक्ष जो बटा हुआ है इस वक्त विपक्ष को भी अब तय कर लेना होगा कि उन्हें दो विचारधाराएं देश में हैं, एक कांग्रेस होगी एक बीजेपी होगी, उनको किसके साथ जाना है। अगर बहुकोणीय चौकोणीय मुकाबला होगा तो बीजेपी के लिए रास्ता आसानी से बन रहा है, और यही बात है कि आज काम करा है उसने। लेकिन बीजेपी के नेता, जैसे अभी मैं देख रहा था कि वो सुनने नहीं दे रहे हैं दूसरे को, वो समझ रहे हैं इस बात को कि विपक्ष बंटा हुआ है। विपक्ष जब बंटा हुआ रहेगा तो निश्चित तौर पर जो सत्ताधारी पार्टी है उसको ताकत मिलेगी, और ताकत मिलेगी तो चुनाव जीतेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो इनेलो हैं, जेजेपी हैं, देखिए एक ही परिवार है, एक ही घर से निकले हैं, वो बंट गए। आज इनको तय करना, देखिए दुष्यंत एक बार चुनाव जीत गए वो ठीक है, उनको लगा कि चुनाव जीतना एक स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती, अखिलेश यादव, बिहार में लालू यादव के बच्चे, इन लोगों ने देश की राजनीति को थोड़ा अलग तरीके से समझना शुरू कर लिया। अब धीरे धीरे ये चीजें बदल रही हैं, अब आपको तय करना पड़ेगा। ठोस नेता चाहिए, मजबूत नेता चाहिए जो समझ सके, जवाब दे सके। हरियाणा में इस वक्त बीजेपी के पक्ष में सबसे बड़ी बात यही है कि उनके सामने कोई बड़ा नेता विपक्ष में है नहीं। अगर जिस दिन कोई नेता ढंग का सामने आ जाएगा तो निश्चित तौर पर वहां एक मुकाबला देखने को मिलेगा।
अब इस वक्त जेजेपी कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, कोई कुछ भी इन लोगों को मिलना पड़ेगा, मिलजुलकर एक मुद्दा बनाना पड़ेगा, तब जाके होगा। वीरेन जी, एक सवाल बहुत उठता है, क्योंकि जब भी हम लोग विधानसभा की चर्चा करते हैं तो ये कहा जाता है कि देखिए लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, जब विधानसभा की बात आएगी तो फिर ये जो राष्ट्रवाद से आप लोगों ने लोकसभा का चुनाव जीता जिसका आरोप लगाती हैं आपकी विपक्षी पार्टियां, दरअसल यहां पर आपको जवाब देना होगा कि आपने हरियाणा में किया क्या। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बात का भी साथ में जवाब देते चलें कि दरअसल इन मुद्दों को फिर कैसे आप लोग टैकल करेंगे, और विधानसभा के चुनाव अलग मुद्दों पर होते हैं, इस बात का भी मैं चाहूंगा कि विपक्षी पार्टियों को आप जवाब दें। देखिए, निश्चित रूप से लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में थोड़ा अंतर तो होता ही है, इस बात से इनकार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परंतु हरियाणा में पिछले 5 सालों में हमने जिस तरह से राजकाज की संस्कृति बदली, पारदर्शी प्रशासन दिया, नौकरियों में नियुक्तियों में पारदर्शिता लेकर के आए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, विकास के कार्य वो पारदर्शिता के साथ हुए, बिना भेदभाव, इलाकावाद, जातिवाद के बिना हुए, तो उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के प्रति हरियाणा की जनता का विश्वास वो राज्य सरकार के प्रति भी बढ़ा है और गजब के अंदाज में बढ़ा है। मैं प्रमाण के तौर पर 2 चीजें कहूंगा। हमारे यहाँ महापौर के चुनाव हुए तो हमारे विपक्षियों ने आपके चैनल पर ही बैठ करके ये कहा कि महापौर के चुनाव आ रहे हैं, भाजपा को देख लेंगे, इनका सफाया हो जाएगा। कई स्थानों पर तो ये लोकदल, और जैसे करनाल में लोकदल और कांग्रेस लगभग मिलकर के चुनाव लड़े, सबके सब महापौर का चुनाव में सीधे चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष हम जीते। इनको रोक लीजिए, बीच में कामों के बारे हमने, अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लो भाई, क्या किया? देखिए भाषण कर रहा जी, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर वीरेन जी आपको नहीं बोलने देंगे, इससे थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें, सबको समय दे रहा हूं, सब लोग अपनी अपनी बात बोलवा लीजिए। आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, इनको भी दे लीजिए ना साहब, मैं बोल रहा हूं, इनको रोक लीजिए अगर आपसे रोके जाते हैं तो। टोक दिया मैंने, हमने सर, बात हमने नगर निगमों के चुनाव में, हमने नगर निगमों के चुनाव में विपक्ष के सारे दावों को गलत साबित किया। ये चुनाव में गए हमारी राज्य सरकार के खिलाफ, इनके पास जो कुछ था इन्होंने सारे पिटारे खोल दिए, हम निगम के चुनावों में जीते। जब चुनाव निगम का जीतकर हम आए आपके स्टूडियो में तो इन्होंने कहा साहब महापौर का चुनाव भी कोई चुनाव होता है, उपचुनाव आ रहा है जींद का, भाजपा का सामान बंधवा देंगे। जींद इनको लगता था कि वो विशुद्ध ग्राम्य सा एक विधानसभा क्षेत्र है, भाजपा कभी जीती भी नहीं थी। हम अपने काम के दम पर, हम अपने नेतृत्व के क्षमताओं के दम पर, अपने मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के दम पर, नौकरियों में खासतौर पर जो पारदर्शिता आई उसके दम पर जींद का उपचुनाव भी जीते। तब भी ये लोग कहते थे कोई बात नहीं, लोकसभा का चुनाव आ जाने दीजिए, इनका सामान बंधवा देंगे। लोकसभा में हरियाणा की जनता ने कितने जबरदस्त बहुमत के साथ हमको 10 की 10 सीटें दी हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा बहुत विनम्रता से कि जो कुछ इनको कहना था इन्होंने नगर निगम के चुनाव में लोगों के बीच में जाकर कहा, वही बात इन्होंने जींद में पूरी ताकत लगाकर कही, लोकसभा में इन्होंने अपने सारे घोड़े खोल दिए, एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। हरियाणा के लोगों ने इनको पूरी तरह से नकारा और विधानसभा के चुनाव में भी हम हरियाणा के नागरिकों का, हरियाणा के मतदाताओं का वो मन जो भाजपा के पक्ष में बना हुआ है, जिसने कमल का बटन दबाया लोकसभा के चुनाव में, हम उनसे भी अधिक लोगों को मनाएंगे कि हमको वो विधानसभा में भी मनोहर जी के नेतृत्व में एक बार फिर से 75 से अधिक सीटें लेकर के नई सरकार हरियाणा में बनाएंगे। हमको विश्वास है और उसकी तैयारी की है हमने, हम तो संगठन खड़ा कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, जो काम हमने किया है लोगों को जाकर इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक चीज है वीरेंद्र जी, भाग सिंह दमदमा जी ठीक है, बाकी दमदमा जी, देखिए मैं बहुत बार चर्चा में बैठा, ठीक है, बाकी दमदमा जी, वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी, पता है उपलब्धियां, पता है मुझे, आप बाकी दमदमा जी, देखिए बहुत बार चर्चाओं में बैठा हूं मैं और आप लोगों के साथ में, जब आप नगर निगम के चुनाव थे, मेयर के चुनाव थे, उस समय भी बैठा, जींद चुनाव में भी बैठा और इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी बैठा, उस समय भी आप लोग इन्हीं मुद्दों का जिक्र करते थे सर, जो आज मुद्दे आप उठा रहे हैं उस समय भी आप डिलीवर नहीं कर पाए, अब विधानसभा के चुनाव में कैसे डिलीवर कर ले जाएंगे आप लोग, कैसे इतना आश्वस्त हो पा रहे हैं, थोड़ा इसको समझाते चले। अपनी बात में मैं, इन्होंने भी बड़ा ठीक है जिक्र किया कि जींद चुनाव का इनका जिक्र आया,
तो मैं बता दूं कि देश के अंदर जींद के साथ साथ राजस्थान में भी चुनाव था और जींद में इन्होंने कैंडिडेट कौन लिया है वो पूरा प्रदेश जानता है। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो विधानसभा कांग्रेस की थी और हरियाणा में भाजपा की सरकार थी तो ये जीते। मेयर चुनाव निकाय की इन्होंने बात की तो बहुत बढ़िया बात की इन्होंने, लेकिन मैं बताता हूं कि इस लोकसभा के बाद राजस्थान में जो चुनाव आए थे निकाय चुनाव, 9 जिला परिषद से 7 कांग्रेस पार्टी जीत कर गई है। अंतर बहुत होता है हर चुनाव में, 74 ब्लॉक समिति के चुनाव थे तो 65 भाजपा हारी है और कांग्रेस जीत के आई है। 2009 में दिल्ली के अंदर इन्होंने 7 की 7 सीटें जीती थी, लेकिन विधानसभा में भाजपा 67 सीटें हार चुकी है और उसके साथ ही हर चुनाव में फर्क होता है। राजस्थान में विधानसभा के अंदर कांग्रेस बहुमत लेकर गई थी, लेकिन लोकसभा के अंदर मुकाबला राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में था, जो इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को उसके लिए उपयुक्त मांगना राहुल जी के साथ। तो अब जो विधानसभा के चुनाव में उसमें अभी बहुत बड़ा अंतर है और अब चुनाव होगा मुद्दों के ऊपर। अभी इन्होंने बात की डेवलपमेंट, इन्होंने कहने से डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि भाजपा की सबसे बड़ी दलाली मैं आपको बताता हूं कि किसान के साथ जो कुठाराघात किया है कि यदि आपको खेत के अंदर ट्यूबवेल चाहिए तो मोटर फला कंपनी की चाहिए। ये मुद्दों की बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं, बात तैयारियों पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं ना कि तैयारी क्या है। एक सेकंड, जोगीराम जी कहते हैं आप किसी कंपनी, ठीक है जोगीराम जी, ये दो कंपनियां तय, जोगीराम जी यही सवाल और यही मुद्दे आप भी उठाते रहे जो आज जजपा कह रही है और यही बात का जिक्र आप लोग करते रहे नगर निगम जींद और उसके बाद लोकसभा चुनावों में। इस बार अलग क्या है और कैसे जीतेंगे? सुभाष बराड़ा जी धनखड़ साहब, ठीक है नंगे, अरे सर ये आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं ना सर, तैयारियों की चर्चा करते हैं ना। आरोप प्रत्यारोप आप लोग सड़कों पर करें जाकर के जनता के बीच में बताएं, आज भी ठीक है आप जनता को बताएं जाकर के सर, ठीक है तैयारियों पर चर्चा करते हैं। जोगीराम जी बहुत जल्दी से आपका कमेंट, एक सेकंड बहुत जल्दी से जोगीराम जी, ठीक है हो गया बात, दमदमा जी ठीक है सर, समय की बाध्यता है थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रखें आप लोग। जोगीराम जी आयोजन से ये पूछिए कि बिजली का कनेक्शन एक राइट है उसका लेना, ये कहते हैं मक्की बीजेंगे तब आपको बिजली का कनेक्शन मिलेगा, फला मोटर खरीदोगे तब आपको बिजली का कनेक्शन मिलेगा। जोगीराम जी आप मेरा सवाल नहीं समझे, जोगीराम जी आप मेरा सवाल नहीं समझे, जोगीराम जी आप मेरा सवाल नहीं समझे। जोगीराम जी मैंने आपसे पूछा कि आज जिन सवालों का जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं यही मुद्दे आप लोग निकाय चुनाव के समय में, यही मुद्दे आप लोग लोकसभा के चुनाव में, यही मुद्दे आप लोग जींद चुनाव में भी कहते रहे, लेकिन जनता ने आप पे भरोसा नहीं जताया। अब विधानसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों के साथ कैसे जाएंगे, जनता कैसे आपके साथ आएगी, इसका जवाब दें बस आप। नहीं समय आरोप ना लगाएं, आरोप प्रत्यारोप का आज मेरे पास भी समय नहीं और समय बचा भी नहीं, समय आगे सरकार के जाने का। अब लोगों को पता है भी रीजनल पार्टी ही काम कर सकती है और रीजनल पार्टी लोगों के काम करती है, उनके इस बारे में मालूम है, ठीक है। और ये भी बहुत जल्दी से वीरेन जी आप भी अपना कमेंट दें, ठीक है जोगीराम जी ठीक है आपके पास जवाब नहीं इस बात का, वीरेन जी जल्दी से बहुत शार्प, समय नहीं है मेरे पास। आयुष जी हमारे मित्रों के पास ना नेता है ना कार्यक्रम है ना एजेंडा है और न ही संगठन है, इनसे पूछिए इनके विधायक कहाँ गए, इनके आपके पास ही है क्या, कहाँ गए इनके पास ही नेता है, इनके कार्यकर्ता कहाँ गए, किसके भरोसे पर ये किसके भरोसे पर बताएंगे तैयारियों का जिक्र, पूरे देश किसके भरोसे पर बताएंगे कि ये चुनाव के लिए तैयार है, इनसे पूछिए, ठीक है एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं उसके बाद चर्चा समाप्त करेंगे। अजीत जी, अजीत जी देखिए अभी बहुत सारे विधानसभा चुनावों का जिक्र हुआ और राजस्थान का भी जिक्र हो रहा था और आपके पास जानकारी इन सारी चीजों की बेहतर है, कैसे देखते हैं क्योंकि जब स्टेट के अंदर भी बहुत जगह चुनाव हुए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी बहुत बहुमत से जीतने के बाद। हो गया जोगीराम जी देखिए अब समय थोड़ा सा मेरी मजबूरी समझे। अजीत जी की बात सुन रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस जीती है और देखिए राजस्थान में जो कांग्रेस जीती या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जीती वो उसके कुछ कारण दूसरे थे। उसके कारण एक तो कांग्रेस ने जो किसानों का कर्जा माफी का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा उठाया, वो कहीं ना कहीं क्लिक कर गया। नंबर तीनों प्रदेशों में कांग्रेस के पास मजबूत नेता थे वहां पे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और राजस्थान में अशोक गहलोत, और राजस्थान में जो अशोक गहलोत जैसा ताकतवर एक मजबूत नेता कांग्रेस के पास था और वहां की जनता उनका कामकाज पहले देख थी। और इसलिए उनके पक्ष में एक माहौल था कि उनको जो प्रदेश की उस वक्त वहां पर मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे उनके खिलाफ बहुत नाराजगी थी, इतनी नाराजगी थी उनका कहना था कि भाई हमें दिल्ली में मोदी चाहिए लेकिन प्रदेश में वसुंधरा नहीं चाहिए, अशोक गहलोत चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर नारा था। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस किसी भी पार्टी के पास कोई सशक्त नेता नहीं है, सबसे बड़ी कमजोरी इसी बात की मैं कह रहा हूं कि हरियाणा हो महाराष्ट्र हो
जहां पे कि तीन चार राज्यों में चुनाव होना है, दिल्ली है, झारखंड है, इन चारों राज्यों में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के पास कोई दमदार नेता सामने नहीं है। अभी हरियाणा में नेता होने के बावजूद भी पार्टी ये नहीं बता पा रही कि इस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और यही वजह है ना तो जेजेपी के पास ना इनेलो के पास कोई दमदार नेता। अब मैं समय नहीं दे पाऊंगा, मुझे समाप्त करना है बस। आज के दिन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टक्कर दे सके, यही एक सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर कोई नेता यहाँ पे भी अशोक गहलोत, कमलनाथ जैसा होता तो मुकाबला देखने को दिलचस्प होता, यही एक दुर्भाग्य है। और इसी की वजह से बीजेपी, आप देखिए मनोहर लाल खट्टर जी ने काम बहुत अच्छे किए, इससे इनकार नहीं कर सकते आप, उनके ऊपर कोई अभी आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई ऐसा उन्होंने ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगा, न विपक्ष मुद्दा बना पाया कि सड़कों में उतरकर उनके खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ा हो विपक्ष ने। और एक विपक्ष को यही समझने की आवश्यकता है, अजीत जी आप किसी बात के साथ समझाएंगे, ठीक है अजीत जी आप किसी बात के साथ खत्म करेंगे, ठीक है। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोग इस चर्चा का हिस्सा बने। मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा कि इस चर्चा को मैं और आगे बढ़ाऊं, आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन सवाल अहम अभी भी ये बरकरार है कि आखिर जो तमाम रणनीति बन रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, दरअसल ये तमाम रीजनल पार्टियां इनके पास इसका तोड़ क्या है, और क्या वो उन मुद्दों के आधारित जो राजनीति है उन सारी विषयों को जनता के बीच में पहुंचा पाती हैं या फिर नहीं, ये सवाल अभी भी बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है, और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, प्रदेश की धड़कन।